Hello everyone, this is Renu and welcome back to our channel Q-Trix. Today in this video we are going to learn about operations on rational number. And we have already learned about rational number in the previous video. So today we will learn operation of rational number. As you all know, what are operations? Operations kya hote hain, aap sab jante hain. Addition, subtraction, multiplication, division. ये सब क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं. तो ये सब चीज़ें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम पढ़ेंगे किस पे? रैशनल नंबर्स पे. इनके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, वो हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं. सो ऑपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. फर्स्ट ऑपरेशन हम एडिशन का पढ़ेंगे, मीन्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पे. The properties of addition of rational number are similar to the properties of addition in integer. जैसे जो property addition की integer पे होती है, same उसी तरीके से property of addition होगी हमारी rational number पे. सबसे first property हमारी closure property, जिसमें क्या होता है? The sum of two rational number is also a rational number. Okay? अगर हम किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उनका आंसर भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए. दैट इज़ इफ़ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, ए और बी मैंने कोई रैशनल नंबर माने, तो ए प्लस बी इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर. ए प्लस बी भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए. नोट दैट व्हेन वी से ए इज़ अ रैशनल नंबर, जब हम बोल रहे हैं ए रैशनल नंबर है, वी मीन दैट वो कैसे एक्सप्रेस्ड होगा? रैशनल नंबर कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में. सो तो हमने बोला एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो मीन्स वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा और जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा. ओके, तब हम इसे क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे. सो हमने जाना कि रैशनल नंबर क्या होता है और अगर हम ए को रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा. सो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? क्लोजर प्रॉपर्टी पे पढ़ा कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 + 3/4. 1/2 भी एक रैशनल नंबर है और 3/4 भी एक रैशनल नंबर है. जब मैं इन दो रैशनल नंबर को ऐड कर रही हूँ, मेरा यहाँ पे एलसीएम आया 4, 2 × 2 = 4, तो 2 + 3 हो गया. 2 + 3 = आ गया हमारा 5/4. सो 5/4 मीन्स क्या आ गया? विच इज़ अ रैशनल नंबर. 5/4 भी तो एक रैशनल नंबर है. तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि व्हेन वी आर एडिंग अ टू रैशनल नंबर द आंसर विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर. ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव में. ये 2/3 एक रैशनल नंबर है, -4/5 भी एक रैशनल नंबर होता है. जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो इन दोनों का एलसीएम पहले तो 15 आया, 5 × 15 होता है, तो 2 × 10 = 2 × 5 = 10 हो गया. एंड 5 × 3 = 15 होता है और तो 4 × 3 = 12 आ गया. तो 10 − 12 / 15, तो 10 − 12 कितना होता है? -2/15 हो गया. ठीक है, सो हमारा जो -2/15 है ये भी एक रैशनल नंबर है. तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गई ये कंडीशन, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर को, दैट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो डिपेंड नहीं करता है उनके ऑर्डर पे. जैसे कि दैट इज इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, ए और बी दो रैशनल नंबर हैं, ए प्लस बी क्या होगा? इक्वल होगा किसके? बी प्लस ए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने a प्लस बी किया तो आप भी a प्लस बी करें, आप b प्लस ए भी तो कर सकते हैं. अगर हमारा क्या कर रहा है, जो ऑर्डर है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स मैंने जो a प्लस बी किया था, जो मेरा आंसर आया है, आपके b प्लस ए करने पे अगर वो सेम आंसर आए हम दोनों के, तो दैट मीन्स वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. मैंने किया 1/2 + 3/2 तो इनका एलसीएम आ गया 6, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 2 = 6, तो 3 + 2 आ गया मेरा 5. 5/6 मेरा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया. मैंने क्या किया था? a प्लस बी किया था, बट आपने क्या किया? आपने b प्लस ए कर दिया. ठीक है,
तो b प्लस ए मीन्स आपने 1/3 प्लस 1/2 कर दिया, तो इन दोनों का भी एलसीएम क्या आया, 6 आया, और 2 3 6 और 3 2 6, तो 2 + 3 आ गया मेरा 5/6 आंसर आ गया। क्या हम दोनों का आंसर सेम आया है? यस। तो मीन्स हम a प्लस बी करें या b प्लस ए, दोनों इक्वल आ रहे हैं अगर, तो दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, द सम ऑफ 3 or more रैशनल नंबर। सम किसका, 3 या 3 से ज्यादा रैशनल नंबर का, डज नॉट डिपेंड ऑन द वे द रैशनल नंबर आर ग्रुप। तो डिपेंड नहीं करता कि वो कैसे ग्रुप है, उनका आंसर इक्वल आना चाहिए, आ रहा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज इफ ए बी सी, मैंने कोई 3 रैशनल नंबर ले लिए, मैंने क्या किया, ए प्लस, पहले मैंने एक ग्रुप बना दिया बी प्लस सी, मैंने इनको ऐड कर दिया, फिर ए को ऐड किया, वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 - -3/5 + -3/4, मैंने ऐसे प्लस किया, मैंने पहले इन दोनों को प्लस किया, फिर जो आंसर आया उसके बाद मैंने इसमें प्लस किया उसे। ठीक है, सो तो इनका एलसीएम इन दोनों का आ गया 15 और ये हो गया 5 3 5 = 15, सो 2 5 = 10 एंड 5 3 = 15, तो 3 3 = 9, तो 10 - 9 हो गया 3 - 3/4, तो ये आ गया मेरा -3/4। तो इन दोनों को सॉल्व किया, सॉरी ये आ गया मेरा 1/15। ठीक है, और प्लस -3/4, इन दोनों का एलसीएम आ गया 60, तो यहाँ पे आ गया 15 4 = 60 एंड ये आ गया हमारा 4 4 = 15, तो 13 15 = 45, 4 - 45 दैट इज 41, 41/60 आ गया। ठीक है, तो 41/60 आ गया मेरा क्या करने पे, ऐसे करने पे। नेक्स्ट वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मैं अब ये कर लेती, मैंने ये सॉरी ये यहाँ पे ऐसे गिवन है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी करके गिवन है, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर लेती हूँ, मीन्स 2/3, सो मैं करती हूँ 2/3 - 3/5 - 3/4। ओके, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 20, 4 5 4 = 20, तो ऊपर आ गया -12, ये आ गया हमारा 5 4 = 20, तो 5 3 = 15, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया मेरा 2/3, माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस का साइन सॉरी माइनस का साइन आ गया 27/20। अब हमारे पास क्या बचा, 2 upon 3 माइनस 27/20। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 20 एंड 3 का एलसीएम आ गया हमारा 60, सो 3 20 = 60, तो 2 20 = 40 एंड 23 = 60, सो 23 = 60, तो 27 3 आ गया हमारा 81, सो 41 माइनस 81 हमारे पास आ गया माइनस का 41/60। क्या ये माइनस का 41/60 इक्वल है इस वाले आंसर के, सो दिस इज इक्वल टू दिस, तो मीन्स हम ऐसे ऐड करें या ऐसे ऐड करें, आंसर विल बी सेम एंड इट विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमारी रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। जीरो एडेड टू एनी रैशनल नंबर लीव्स द रैशनल नंबर अनचेंज। इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसलिए बोला गया एडिशन पे, बिकॉज जीरो को अगर हम, दैट इज इफ अ रैशनल नंबर एक के साथ अगर हम जीरो को ऐड करते हैं
या जीरो के साथ किसी नंबर को ऐड करते हैं तो नंबर अनचेंज आएगा, ठीक है, एंड नंबर जो हमने जिसके साथ ऐड करे थे वही आएगा. तो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो जीरो क्या कहलाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के एडिशन पे. ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, 2 by 9 एक रैशनल नंबर है, उसमें मैं जीरो ऐड करती हूँ तो वो क्या आएगा, इक्वल टू 2 by 9 ही आएगा. अगर मैं 2 by 9 पे जीरो ऐड करती हूँ तो मीन 0 by 9, ठीक है, 0 by 1 होगा, एलसीएम लेने पे क्या आ गया, 9 आ गया, तो 2 plus 0 upon 9 दैट इज 2 by 9. ओके, अगर 0 plus 2 9 2 by 9 करती हूँ तब भी सेम यही होगा, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 2 by 9 ही आएगा. सो 0 plus 2 ए करो या ए प्लस जीरो करो, आंसर विल बी अनचेंज, दैट इज ए ओनली. दैट्स वाई द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन एडिशन ऑफ रैशनल नंबर नोन एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स, और उसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है. एडिटिव इनवर्स मीन्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट या उल्टा बोल सकते हैं. तो एडिटिव मीन्स एडिशन का उल्टा क्या हो गया, नेगेटिव. If the sum of two rational number is zero, दो रैशनल नंबर का सम अगर जीरो है, then the two rational number are called additive inverse or negative. तब वो रैशनल नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे additive inverse, या फिर उन्हें जीरो बोल सकते हैं, of each other. That is, if A and B are two rational number, A और B two rational number है, such that A plus B is equal to zero, ठीक है, तो means A और B plus करने पे क्या आना चाहिए, equal to zero आना चाहिए. Then A and B are the additive inverse of each other. तब हम A और B को क्या बोलेंगे, additive inverse हैं एक दूसरे के. Okay? Example से देखते हैं, 1 by 2, उसका additive inverse क्या हो जाएगा, -1 by 2. Okay? तो 1 by 2 plus -1 by 2 करने पे हमारे पास क्या आया, like terms से, तो क्या हो गया, 2 आ गया नीचे पे, 1 minus 1, that is 1 minus 1 क्या आ गया, 0, 0 by 2 is equal to 0. तो हमारा क्या आ गया, ये नंबर इसका नंबर का एडिटिव इनवर्स ये, तो इन दोनों का सम इक्वल टू 0 आ गया, मींस एडिटिव इनवर्स प्रूव हो गया फॉर रैशनल नंबर, ठीक है. तो एडिटिव इनवर्स मींस क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -1 by 2 इज द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ 1 by 2, एंड 1 by 2 इज द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ -1 by 2. ओके, सो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की 5 प्रॉपर्टीज हैं. पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें था द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर. सेकेंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड. थर्ड, एसोसिएटिव, द सम ऑफ 3 और मोर रैशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द वे द रैशनल नंबर आर ग्रुप, ठीक है, एसोसिएटिव में डिपेंड नहीं करता कि उनका कैसा हम ग्रुप बना रहे हैं, कैसे उन्हें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या हो गया, कि अगर हम जीरो ऐड करते किसी रैशनल नंबर पे तो लीव्स द रैशनल नंबर अनचेंज, वो जो रैशनल नंबर है वो अनचेंज रहेगा. एडिटिव इनवर्स मींस क्या हो गया, जो हम नंबर ले रहे हैं अगर उसका अपोजिट मतलब उसका इनवर्स कर रहे हैं तो उन दोनों का सम क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए. ओके, सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. Now second is addition, properties of subtraction. अब हम पढ़ेंगे properties of subtraction of rational number. So properties of subtraction of rational number are similar to the subtraction of integer. जैसे integer के लिए होते हैं वैसे ही rational number के लिए भी है. तो सबसे पहली property है हमारी closure property. So the difference of two rational number is also a rational number. हाँ, सब्ट्रैक्शन के हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिफरेंस यूज करते हैं. सो उसमें बोला गया है कि दो नंबर रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है. जैसे कि इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, देन ए माइनस बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 by 3 एक रैशनल नंबर है ना, उसको मैं माइनस करती हूँ 4 by 3 से, 4 by 3 भी एक रैशनल नंबर है. ओके, आई जस्ट टेक दिस 4 by 3 नहीं ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 2 by 3 और दूसरा मैं ले लेती हूँ 1 by 3. ओके, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया था. तो यहाँ पे इन ये क्या, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है.
अब इन दोनों का डिफरेंस मींस इन दोनों को माइनस करके रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमें चेक करना है. तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, सेम है. 3 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 3 आ गया. सो 1 बाय 3 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? इट इज अ रैशनल नंबर. सो यहाँ पे प्रूव हो गया है कि द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर द सब्ट्रैक्शन. Now coming to the commutative and associative property, as in the case of integer, the commutative and associative property does not hold for subtraction of rational number. ठीक है, ये hold नहीं करते हैं subtraction of rational number. क्यों नहीं करते हैं ये हम आपको बताते हैं. देखिए, if a and b are rational number, a और b कोई rational number है, तो a minus b is not equal to b minus a. Why it is happens? एक्सेप्ट ऐसा नहीं, एक चीज ऐसा छोड़ के कि जहाँ पे ए और बी दोनों ही इक्वल है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा. जैसे कि देखिए एग्जांपल से समझते हैं. सिर्फ एक रैशनल नंबर मैंने 2/3 लिया, उसको माइनस किया माइनस 1/3 से, तो वो इक्वल नहीं आएगा इस वाले के. कैसे नहीं आएगा, देखिए 2/3 माइनस माइनस 1/3, ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 3. सो 3 एलसीएम आने पे क्या होगा, ये सॉल्व होगा आगे, ये आ गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इज इक्वल टू आ गया 3/3, दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब इस साइड सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3/3. ठीक है, इसमें भी एलसीएम 3 आ गया, माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया माइनस 3/3. इसमें आ गया 3 × 3 एंड इसमें भी 3 × 3 और ये माइनस 1. ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है. इसमें क्या आ रहा है हमारा आंसर, ये प्लस 1 आ रहा है. तो क्या ये इक्वल हो गए, नहीं हुए. तो दैट्स व्हाई हमने बोला कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करती है सब्ट्रैक्शन के लिए. ठीक है, एक्सेप्ट हमने क्या बोला, ए इज इक्वल टू बी. अगर ऐसा होता है, मीन्स मैंने ले लिया 2 − 2, तो यहाँ पे तो 0 आना ही है, 2 − 2 करेंगे तब भी 0 आने, मींस आंसर यहाँ पे सेम है. तो दैट्स व्हाई हमने बोला एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू बी पे, जहाँ पे ए और बी दोनों सेम है, वहाँ पे तो आंसर सेम ही आना है, 0 ही आना है. तो उसे छोड़ के ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ई. ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं. अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए. ओके, एसोसिएटिव के लिए देखिए, एसोसिएटिव में क्या चीज़ें होती थी, 3 होते थे. इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर, तो ए माइनस बी फिर माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, 2 by 5 - 1/5 फिर -1/4, तो ये आंसर आ गया, इन दोनों का आंसर आ गया 5 एज एलसीएम आ गया, फिर 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/5. तो यहाँ पे 1/5 माइनस अब क्या हो गया 1/4, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 20. ओके, तो 20 एलसीएम आ गया, और फिर यहाँ पे आ गया 5 × 4 = 4, दैट इज इक्वल टू -1/20, तो आंसर आ गया -1/20. अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे b माइनस सी पहले कर लेंगे, फिर उसमें a माइनस करेंगे. ओके, तो b माइनस सी मीन्स ये, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 20, मीन्स 4 - 5 क्या आ गया, -1/20. ठीक है, तो ये आ गया -1/20, और पहले से 2 a क्या है, 2 upon 5, तो ये इन दोनों का एलसीएम आ गया 20. सो 5 × 4 = 20, तो 2 × 4 = 8 एंड 21 × 20, तो -1 + 1, तो आ गया हमारा 9/20. क्या ये हमारा 9/20 इक्वल आ रहा है -1/20 के? नो. सो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं कर रही हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए, बिकॉज जो हमारा ये इसका आंसर आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है इसके आंसर से. ठीक है, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. सो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है सब्ट्रैक्शन में, जीरो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी रैशनल नंबर लीव्स इट अनचेंज. ठीक है, अगर हम जीरो को माइनस करते किसी भी नंबर से, तो वो नंबर क्या आएगा, अनचेंज आएगा, दैट इज
इफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है जैसे मैंने 2 माइनस 0 कर दिया तो आंसर विल बिकम एज 2, ठीक है, नंबर क्या हो गया, अनचेंज हो गया. हाउएवर एनी रैशनल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0, बट अगर क्या करते हैं हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक 0 माइनस 2, तो आंसर विल बी गिव्स इट्स एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा. जैसे मैंने पॉजिटिव लिया था, 2 पॉजिटिव का लिया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 बिकॉज ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन साइन. दैट इज इफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है तो मैंने 0 माइनस a किया तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a. ओके, लाइक दिस एग्जाम्पल. ये होगी बात प्रॉपर्टी ऑफ 0 की. सो इसमें सिर्फ क्या थी हमारी, 3 प्रॉपर्टीज थी सब्ट्रैक्शन में. जो पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, वो तो सेटिस्फाई कर रही है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर को, बट जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है. और जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है हमारे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर को. प्रॉपर्टी थर्ड जो हमने पढ़ी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 0, वो भी सेटिस्फाई कर रही है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर सब्ट्रैक्शन. अब आते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टीज पे आते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर. जैसी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए होती है मल्टीप्लीकेशन में, वैसी सिमिलरली इंटीजर्स के लिए भी होती है. द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. मीन्स अगर हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर ही होना चाहिए. दैट इज इफ ए एंड बी आर अ रैशनल नंबर, देन ए इनटू बी इज आल्सो अ रैशनल नंबर. ठीक है, ए और बी, जैसे ए क्या है 1/2 है, बी क्या है 3/4 है, दोनों रैशनल नंबर है. अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए. देखिए 1 × 3 इज इक्वल टू 3 एंड 2 × 4 इज इक्वल टू 8, तो 3/8 इज आल्सो अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. नाउ द सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो 2 रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करती है कि अगर 2 रैशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इफ ए एंड बी आर आर अ रैशनल नंबर, ए और बी अगर 2 रैशनल नंबर हैं, देन अगर मैं उन्हें ए इंटू बी करूँ या फिर b इंटू ए करूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मैंने ले लिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय -5/7, सो आंसर क्या आ जाएगा, 2 × −5 दैट इज -10 एंड 3 × 7 आ गया 21. अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, मैं 5/7 कर दूँ माइनस का इंटू 2/3 कर दूँ, ठीक है, तब क्या आएगा आंसर, 5 × 10 -10 एंड 7 × 3 = 21. तो यहाँ पे भी क्या आ गया, सेम आ गया. मीन्स अगर मैं क्या कर दूँ, ऑर्डर चेंज कर दूँ रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा. तो मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर. अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की. द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर रैशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द वे ऑफ नंबर आर ग्रुप. ठीक है, जो प्रोडक्ट है 3 या 3 से ज़्यादा कोई रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं तो डिपेंड नहीं करता उनके वे ऑफ ग्रुपिंग में. दैट इज इफ ए एंड बी एंड सी आर रैशनल नंबर, ए बी सी अगर 3 रैशनल नंबर हैं, तो अगर मैं ए इंटू बी करूँ पहले फिर सी से इंटू करूँ, वो इक्वल होगा बी इंटू सी को पहले करने के बाद फिर उसमें ए इंटू करने के. ओके, एग्जाम्पल से क्लियरली समझते हैं इसे. जैसे कि 3/2 इंटू हो रहा है पहले हमारा, उसके साथ क्या हो रहा है, इंटू मैं कर रही हूँ पहले -5/7 3/2 के साथ, तो आंसर आ गया मेरा 3 × −5 दैट इज 15 एंड 2 × 7 दैट इज 14. फिर इंटू कर रही हूँ मैं उसमें -1/3, तो -1/3 इंटू करने पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 15 और 14 3 जो हो गया 42. ठीक है, 15 × 1 = 15 हो गया, ये आंसर आ रहा है मेरे पास. अब मैं क्या करती हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या हो गया 5 × −1 = 5 एंड 7 × 3 = 21. फिर मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 3/2, तो आंसर क्या आ गया, 5 × 3 × 5 / 2 × 21. सो ये आ गया हमारा, क्या आया, 5 × 3 = 15 एंड 21 × 2 = 42.
So this answer is equal to this answer. It means यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में रैशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है उसके वे और उसके ऑर्डर को. मैं पहले किसी को भी मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या होगा, सेम होगा. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर. मल्टीप्लाई करती हूँ अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर को विथ वन, वन के साथ इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ, तो वो रैशनल नंबर क्या होगा, खुद ही होगा. ठीक है, दैट इज इफ ए इज अ रैशनल नंबर, ए एक रैशनल नंबर है उसके साथ मैं वन को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो आंसर क्या आएगा, वो ही रैशनल नंबर आ जाएगा. ठीक है, या वन को मैं किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा जो जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया. द रैशनल नंबर वन इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फॉर रैशनल नंबर. ठीक है, जैसे कि देखिए 2 बाई 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 बाई 3 इंटू 1 बाई 1 तो दैट इज 2 बाई 3 ओनली. अगर मैं 1 इंटू 2 बाई 3 करती हूँ तब भी क्या आएगा, 2 बाई 3 ही आएगा. तो दैट मीन्स 2 बाई 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 बाई 3. ओके, तो कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें. ठीक है, वही रैशनल नंबर हमें मिलेगा. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज जीरो प्रॉपर्टी. जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज जीरो. ठीक है, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे मैं 2 बाई 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ जीरो से किसी भी रैशनल नंबर को तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा. दैट इज इफ अ रैशनल नंबर ए इंटू जीरो करते हैं या जीरो इंटू ए करते हैं इट इज इक्वल टू जीरो ओनली. ओके, 3/5 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो या 0 into 3/5 that is also equal to 0. Now the sixth property for the multiplication of rational number is, so the distributive property of multiplication over addition and subtraction. जो distributive property है multiplication की, एक addition में भी है और subtraction में भी. देखिए कैसे, If A, B, C are rational number, A, B, C एक हमने तीन rational number मान लिए. मैंने क्या किया, A into B plus C किया, वो equal होगा किसके, एक बार A into B से होगा फिर एक बार A into C होगा, means A into B plus A into C. अगर subtraction लेना है, multiplication over हमने क्या बोला, addition and subtraction. Addition भी हो सकता है और subtraction भी हो सकता है. अगर मैं क्या करूँ, a इंटू बी माइनस सी करूँ तो दैट मीन्स a इंटू बी माइनस a इंटू सी. ठीक है, सो ऐसे ये क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन के लिए है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. लेट अस understand it by example. जैसे मैंने लिया माइनस 2/3 इंटू माइनस 3/4 प्लस 5/6. ठीक है, इसको हमने किया तो मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया जो ब्रैकेट के अंदर है. तो इनको ऐड किया, कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12, और 4 3 जो 12, सो 3 जो 9 एंड 6 2 जो 12, तो 5 2 जो 10. सो ये आ गया हमारा 1/12. ठीक है, तो ये आ गया 1/12 इंटू 2/3 माइनस 2/3. तो इन दोनों को इंटू किया, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 12 दैट इज माइनस 2 इंटू 36. 2 1 जो 2 एंड 2 1 जो 2, 2 8 जो 16, तो ये आ गया माइनस 1/18. ओके, अब ये हो गया हमारा आंसर. अगर मैं क्या करती हूँ, ये तो हमने किया इस मेथड से, अब इससे करते हैं, मीन्स a इंटू बी कर लेती हूँ पहले मैं, तो a इंटू बी क्या आ गया मेरा, माइनस 2 इंटू माइनस 3 दैट इज 6 और 3 इंटू 4 दैट इज 12, 6 1 जो 6, 6 2 जो 12 दैट इज 1/2. फिर मैं क्या करती हूँ, a इंटू सी दैट इज माइनस 2/3 इंटू 5/6, तो माइनस 2/3 मीन्स माइनस 2 इंटू 5 दैट इज माइनस 10 एंड 3 इंटू 6 दैट इज 18. सो ये आ गया हमारे पास 2 5 जो 10 एंड 2 9 जो 18, सो 5/9 आ गया. ओके, अब ये 5/9 प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में भी तो हैं, तो ये जो है 1/2 माइनस 5/9, इसको सॉल्व करेंगे,
इन दोनों का एलसीएम आ गया 18, सो 2 9 जो 18 एंड 9 2 जो 18 तो 5 2 जो 10, तो ये दोनों को सॉल्व करके आ गया हमारे पास -1/18, ओके ये आ गया हमारे पास -1/18, और जो हमारा आंसर था ऊपर इसको सॉल्व करके वो भी क्या आया -1/18, ये भी -1/18 मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये था फॉर एडिशन। अब आते हैं ऐसे ही क्या होगा हमारा फॉर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस एडिशन की साइन के वजह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। द वेरी फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। सेकेंड इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या था टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, ओके किसी भी ऑर्डर में हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो वो भी सेटिस्फाई कर रही है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें क्या था जो ऑर्डर है वो डिपेंड नहीं करता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर पे, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मीन्स वन अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रैशनल नंबर मिलेगा। जीरो प्रॉपर्टी मीन्स इफ आई मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर विद जीरो द आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। द सिक्स्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज फॉर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन ऑल्सो ओवर, बट ओवर ना मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नाउ द लास्ट वन इज लास्ट ऑपरेशन वी हैव, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। डिविजन बचा है लास्ट, तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन फॉर रैशनल नंबर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन इन रैशनल नंबर आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन इन इंटीजर। जो प्रॉपर्टीज इंटीजर में सेटिस्फाई हो रही हैं डिविजन की, जरूरी नहीं है कि वो किस में सेटिस्फाई हो, रैशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई, तो उन्हें हम पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिविजन क्या है, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, ए और बी रैशनल नंबर है और बी क्या है डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देन ए डिवाइड्स बी इज अ रैशनल नंबर, तो ए डिवाइड बी भी क्या होना चाहिए रैशनल नंबर होना चाहिए, दैट इज डिविजन इज क्लोज्ड इन रैशनल नंबर, ओके। डिविजन क्या होता है, क्लोज होता है। रिकॉल दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर इंटीजर, और क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए होल्ड नहीं करती है, लेट सी कि रैशनल नंबर के लिए होल्ड करती है कि नहीं करती है। हमने एग्जाम्पल लिया 3/8, 3/8 रैशनल नंबर होता है, यस। उसको डिवाइड किया -3/4 के, ओके -3/4 रैशनल नंबर होता है, यस। सो इस डिवाइड करने के लिए हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा, एंड फॉर टू चेंज द साइन वी हैव टू डू रेसिप्रोकल ऑफ एनी वन साइड, तो मैंने इस साइड को रेसिप्रोकल कर दिया, ओके। तो ये हो गया हमारा 3/8 इंटू 4/-3, तो 3 से 3 गया 3-1, 4 1 जो 4, 4 2 जो 8, तो 2 into -1 आ गया -2/1, तो इसको साइन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया -1/2। सो -1/2 रैशनल नंबर होता है, यस। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है डिवीजन के लिए कि व्हेन वी डिवाइड टू रैशनल नंबर द आंसर इज आल्सो इक्वल टू रैशनल नंबर। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर पे माइनस साइन आया था ये कैसे ऊपर चला गया ये आपको पता होगा, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे हम साइन को डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, बिकॉज हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं लिख सकते आंसर में, इसलिए ओके दैट आंसर विल बी रॉन्ग इफ यू राइट साइन इन द नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एज इन द केस ऑफ इंटीजर द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। इसमें भी रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होल्ड नहीं करता है। दस इफ ए बी सी आर द रैशनल नंबर, जैसे देखो 2/3 डिवाइड करती हूँ मैं, हम 2/3 को जैसे अभी हमने ऊपर पे किया, हमने देखिए हमने क्या किया 3/8 को डिवाइड किया
माइनस 3/4 से. ओके, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2/3 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4/6 से, तो दैट इज नॉट इक्वल टू किसके, 4/6 डिवाइडेड बाय 2/3 के. ओके, आंसर विल गेट चेंज. सो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता डिवीजन के लिए. सिमिलरली ऐसा हमारा किसके साथ होगा, एसोसिएटिव के साथ होगा. मीन्स यहाँ पे क्या करता है, ऑर्डर डिपेंड करता है डिवीजन में. जैसे मल्टीप्लीकेशन एडिशन में डिपेंड नहीं करता था हम 2+3 कर दें या फिर 3+2 कर दें आंसर विल बी सेम, या 2 × 3 कर दें 3 × 2 कर दें ऐसे रैशनल नंबर के लिए तो आंसर सेम ही आएगा 6. बट डिवीजन पे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है डिवीजन के लिए, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर के. द थर्ड वन इज प्रॉपर्टी ऑफ 1 and -1. मीन्स फॉर एनी रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर है a, a को डिवाइड करती हूँ 1 से तो आंसर क्या आ रहा है, a आ रहा है. अगर a को डिवाइड करते हैं -1 से तो आंसर क्या आएगा, -a आएगा. एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि -4/5 डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या आ जाएगा, -4/5 × 1 × 1. -4/5 × 1 × 1 मीन्स -4/5. अगर -4/5 को डिवाइड करती हूँ -1 से तो आ जाएगा -4/5 × 1 × -1. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये नीचे चला गया, तो ये आ गया -4/-5 × -1, तो आ गया -4/-5. माइनस साइन से माइनस साइन कटा तो आ गया 4/5. तो 4/5 आ गया हमारे किसके इक्वल, आ गया इज इक्वल टू -(-4/5). ओके, फोर्थ वन इज डिवीजन बाय इटसेल्फ, ठीक है, खुद के साथ डिवीजन फॉर एनी नॉन जीरो. और वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए. और नॉन जीरो नंबर ए डिवाइड्स ए इज इक्वल टू 1 एंड ए डिवाइड्स माइनस ए इज इक्वल टू -1. कैसे, देखिए 3/5 को -3/5 को डिवाइड करती हूँ -3/7 को डिवाइड करती हूँ -3/7 से तो क्या हो जाएगा, -3/7 डिवाइड साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 7 से 7 कट गया और -3 से -3 कट गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया इक्वल टू. ऐसे ही अगर इसको नेगेटिव में करते हैं तो देखिए नेगेटिव में कैसे आएगा, -7/3/7, ठीक है, सिर्फ एक ही नेगेटिव है, तब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. -3/7/3/7 तो क्या हो गया, इसको चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में आ गया, तो एक को रेसिप्रोकल किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया -3/7 × 7/3. तो 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, बट यहाँ पे क्या आ गया, -1, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू -1. ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मीन्स डिवीजन बाय इटसेल्फ सेटिस्फाई फॉर द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर. सो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या देखा कि वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है डिवीजन के लिए. डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर मीन्स इफ वी डिवाइड टू रैशनल नंबर द आंसर विल ऑल्सो अ रैशनल नंबर. बट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती हमारी रैशनल नंबर के लिए, क्योंकि द वे ऑफ डिपेंड करता है वे ऑफ डिवीजन में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिवीजन में, सॉरी ऑर्डर ऑफ डिवीजन डिपेंड करता है, ठीक है, रैशनल नंबर का. इसलिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर. द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ 1 and -1. तो प्रॉपर्टी ऑफ जो 1 और -1 है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हमारे डिवीजन के. एंड द फोर्थ वन इज डिवीजन बाय इटसेल्फ, और ये भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है डिवीजन के. सो हमने क्या पढ़ा आज, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स पढ़े. ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे सेटिस्फाई कर रही है रैशनल नंबर.
सो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स था हमारे रैशनल नंबर्स का चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है क्लास एट्थ का, जिसमें हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, कौन कैसे सेटिस्फाई करती है रैशनल नंबर. ओके, सो फॉर मोर सच वीडियोज यू हैव टू जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्यूट्रिक्स. In Q-Trix, you can see different class videos and different topics as well as different chapters and different subjects. Okay? So, you have to share it and like it and subscribe. So, thank you. Have a wonderful day.